हमें जाना है अभी रूबी के पास। रूबी, रूबी की बेटी रूबी का। ओहो, रूबी, रूबी का। ओह हो, अभी सो रही है। बड़ा दिल महादेव। ओए लखनी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग। गाइज, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। आज हम लोग करने वाले, हम लोगों ने कर लिया है एक्चुअली, क्या है, अनबॉक्स अपने सारे पार्सल्स। अभी ये भी रहते हैं, ये लखन के एक्चुअली मेरे नहीं है। इसमें से एक ऊपर के दो और लास्ट वाला तीन, लखन का बीच वाला मेरा है। गुड मॉर्निंग गाइज। धूप की वजह से आँख भी नहीं खुल रही है, अच्छी वाली धूप है आज। मन बड़ा खुश है मेरा। टॉय, मुझे सुबह सुबह टॉय मिला है। यस बेतू, क्या जोई नहीं है, टॉय नाम है इसका। यहाँ पे पेड़ कट गए हैं। वैसे बताया जाता है ना, ये जो है ना रिंग्स जो है, इनकी वजह से पेड़ की लाइफ पता चल जाती है। जितनी ज़्यादा रिंग्स उतने साल का पेड़ है। तो कितने का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल पुराना। गुड मॉर्निंग। अरे इतना चिल्ला के भाई, भाई वाह, एक तो सुबह सुबह तैयार हो गया, ऊपर से स्मार्ट सा बन के आज, क्योंकि आज पुनीत मामा जा रहे हैं अपनी भांजी के नामकरण। भाई इसके चेहरे की खुशी देखो, अलग है। पुनीत ने भी 2-3 नाम सजेस्ट किए थे ना। हाँ। हमारे ऑडियंस ने तो सारे करे ही थे, देखते हैं आज क्या नाम रखा जाएगा। एक बात बताऊं ऑडियंस की, कम से कम 10 कमेंट में सेम नाम थे, वही मैंने गूगल पे देखा, गूगल पे भी स्टार्टिंग में सेम वही नाम आ रहे हैं। इधर सुन, अगर तूने मेरी लखनी ऑडियंस को कुछ कह दिया ना, समझा? नहीं, तूने खुद गूगल खोला कॉपी करने के लिए, दूसरों को ज्ञान दे रहा है। तो देख रहा था, और ऑडियंस सबकी है, पूरी लखनी हमारी सबकी है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता। आज ज्ञान नहीं दिया तूने हेल्थ दिखाने का, ये डेली स्प्राउट्स खाओ, अपनी हेल्थ बनाओ। गुड, डॉक्टर साहब ठीक है। हाँ जी, तुम्हें मैं ब्रेकफास्ट करवा के भेज रही हूँ, ताकि वहाँ पर आराम से खाओ, मतलब जल्दी जल्दी न करो। अभी तुम पुनीत को, काना को क्या बता रहे हो? मैं काना को बता रहा हूँ कि हमारा जो बुलंदशहर है ना, उसमें स्वर्ग से हवा आती है। काना बढ़िया हुआ आती है, फिर तुम क्यों छोड़ गए? स्वर्ग की हवा तुम्हें चाहिए? ये बातें पता नहीं कहाँ से निकलता है। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ यहाँ से बुलंदशहर के लिए। बाकी मैं अभी अकेला ही जा रहा हूँ, क्योंकि लखन भैया को और भाभी को दिल्ली जाना है, इसलिए वो मेरे साथ कोई नहीं जा पा रहा है। और बाकी आपको भी दिखाता हूँ मैं कि क्या होगा, मतलब कैसे होगा, क्या क्या होगा सारा फंक्शन। गाइस वैसे तो आज हमें जाना है अभी, क्योंकि हमारा एक इवेंट है। इवेंट क्या है, हमें कॉन्क्लेव में बुलाया गया, वहाँ पे हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जाने से पहले नीतू ने रिक्रिएट करा है मराठी लुक, आज गणेश चतुर्थी के पर्व गणेश जी की पूजा करी है और भगवान से मांगा है सबका, जो भी लोग देखते हैं उनका भी सबका भला हो। हमें जा रही हूँ पूरन पुली बनाने। पूरन पुली क्या? पूरन पुली नहीं खाए तुमने? बना के लिया तब मैं खाऊंगा भाई। जा, आपने पहले खाई है? मैंने खाई है, मेरे को नहीं पता, तुझे पता है? मतलब मैंने खाई है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको पता है, नहीं तो कोई पता है। चलो ठीक है, आज बना के लिया, देखता हूँ पूरन पोली कैसे बनाती है, ठीक है? ओके, आज मुझे टाइम मिला है पूरन पोली बनाने का, तो मैं बनाऊंगी सभी के लिए पूरन पोली। हाँ भाई, नहीं तो क्या बन रहा है पूरन पोली? बन गई है भाई। सही बना रही है, तो पहली बार बनाई, खा के देखो। तीन बन चुकी है, तीन होगी चार। तो गाइस पूरन पोली बना दी, अब लेकर जा रहे हैं, और ये पूरी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली है, नीतू बेस्ट हैक्स, टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी। अब घर जाके पता चलेगा, लेकिन पूरी रेसिपी मैंने डाल दी। दोनों खाने के लिए एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। अब इवेंट में जाना है, सारा मेकअप उतार के सच में बिल्कुल भी मन नहीं। काश मैं इवेंट में भी साड़ी पहन के मतलब ऐसे जा सकती, लेकिन हेलो मराठी मुलगी, तुझे साड़ी और दे रही, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खिलकर आ रहा है। देना भैया पूरन पुली लेकर आओ फटाफट, जल्दी 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 लखनऊ खिलाओ, फिर मैं चेंज करूं फटाफट। लक्स चल इधर, हमें जाना है, हम लेट हो रहे हैं भाई। ये क्या है? खाना पकड़ो जल्दी से बेटी। पराठे, पूरन पुली है, खा के देखो। रुक जा रुक जा रुक जा, पहले गणेश जी को तो चढ़ा दूं, तो भूल ही गई। लाई क्यों थी फिर? ये है कि भगवान को चढ़ा देंगे दो। मीठी मीठी पराठे, अरे इसमें गुड़ है पराठे में, जैसे आलू के पराठे होते हैं, गुड़ के पराठे हैं, इन्हीं को बोल दी पूरन पुली। ओहो बेटा तू नहीं, तू तो पीछे जा। पूरन पुली ये होते हैं भाई, गुड़ के पराठे। अच्छा टेस्टी बहुत है, बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं दीदी के घर के पास। नमस्ते। अरे 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 भैया, आप ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक। ओए होए होए होए, देखो अभी सो रही है। मम्मी क्यों ना लेकर आए? वो कुछ रिवाज है जिसमें मम्मी नहीं आती है। ऐसा कौन सा रिवाज आ गया? अरे पता ना, सब ऐसे रिवाज है भाई। तो ये हमारे मामा गांव से तो आ गए हैं, यहाँ गाड़ी में बैठे हैं, आते क्यों ना उबर ना उतर रहा? क्यों ऐसी उठा लाया तू? ये कह रहे हैं पहले सिक्के की मुट्ठी भर के मारो गाड़ी पे, फिर उतरूंगा। पागल यार, भेका के लिए आया, देखियो मामा बैठा बाहर, बैठा मैं गाँव के। तुमसे तुम्हें टाइम ना पता? मैंने इनसे पूछा, मैंने मामा कहाँ पे हूँ, की मेरी बाइक ना है मेरे पास, मुझे लेने आ जा। मैंने ठीक है की तैयार हो गया, की हाँ तैयार हूँ, नहा के सब तैयार। झूठ किसने बोली? झूठ ये तक नहा रहा हूँ, तू आ जा। हाँ, जब तक नहा रहा हूँ तो है ना, मैंने एक घंटे बाद कॉल करी, आधे घंटे की उन्होंने कही, एक घंटे बाद कॉल करी, तो कह रहे हाँ तैयार हूँ, गाँव के बाहर हूँ। अब बात तो सुन ले ना, सुनो अब पहले मेरी बात सुनो, मेरे लिए तो यही तैयार हुए ना। गाइस मैंने अभी साड़ी चेंज कर ली, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए ना कि आपकी सक्सेस का राज क्या, तो मैं तेरे इशारा करती हूं। ऑब्वियसली आवाज कर रही है तेरी, सैंडल चप 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 चप। सैंडी भाई तो आई नहीं है, सैंडी भाई को भी हमने बोला है, वो भी हमारे साथ चल रहा है। आएंगे तभी तो बैठेंगे, अभी तक तो आए नहीं है वो। एक्साइटेड? वेरी वेरी नर्वस।
है, झूठ बोल रही है। नर्वस? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तेरे चेहरे से दिख रहा है नर्वसनेस यार, तू है नर्वस या नहीं? नहीं। थोड़ी सी भी नहीं? थोड़ी सी भी नहीं। फेक, झूठ भाई। किसी इवेंट से पहले, बड़े इवेंट से पहले हर कोई नर्वस होता है, थोड़ा सा बटरफ्लाईज होती है पेट में। है नर्वस या नहीं? मेरे पेट में चूहे हैं, माउस हैं। भूख लग रही है? यस। भूख तो मुझे भी लग रही है और यहाँ लंच भी है अपना, जाते सबसे पहले लंच करेंगे। हमारा इवेंट हो रहा है होटल ITC मौर्य और यहाँ पर एक वो है, उसका नाम है बुखारा। बुखारा पे इतनी बड़ी नान मिलती है कि एक नान चार पांच लोग खा जाए कम से कम। तुम तो एक ही अकेले खा सकते हो। जोक मार दिया भाई, हंस जाओ सब लोग अपनी सीट पे से ना, उछल उछल के हंसना ठीक है। मुझे वीडियो भेजना इंस्टाग्राम पे। मामा कैसा लग रहा खाना? बढ़िया बढ़िया। लेट के खा रहे हो? टका से क्या नाम रखा है? कितनी रो रही है यार ये। हेलो नमस्ते दीदी, नमस्ते। क्या नाम रखा है? नाम? हाँ लकी ने भेजा था ना, तो उसमें से पापा ने भी रूबी का रख दिया। उसके बाप कह रहे थे कुछ भी रख लेना तो ठीक है। रूबी का? हाँ वाओ कितना क्यूट नेम है। रूबी, रूबी की बेटी रूबी का। ओहो रूबी, रूबी का। हाँ बहुत सारे लोगों ने बताया था ना, रूबी का, रूबी का, रूबी का, रूबी का। बहुत सुंदर नाम है। इवेंट में जाना था दीदी वरना आते, बताया तो था आपको। आएंगे दो तीन दिन में, आएंगे दो तीन दिन में आएंगे। नेटवर्क नहीं आ रहा आपका? हाँ हाँ हाँ, आपने देखा जैसे कि हमारे नेटवर्क नहीं आ रहे, लेकिन हमारा आज इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन तीन चार दिन के बाद हम जाएंगे रूबिका से मिलने के लिए। मुझे खुशी इस बात की जो हमारे ऑडियंस ने नाम दिया था उसमें से नाम सेलेक्ट करा है, थैंक यू सो मच। आपका दिया हुआ नाम पसंद आ गया, सबसे अच्छी बात तो ये है भाई। हमारी ऑडियंस नहीं, मैं तो फैमिली है। पुरानी सी बिल्डिंग है ना यार ये। तू मुझे खाना ऑफर करियो, मैं दो बार मना करूंगा, तू तीसरी बार जबरदस्ती दियो मुझे ठीक है, फिर मैं खा लूंगा ठीक है सैंडी भाई। ओके डन। मतलब ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि मैं भूखा ही आया हूँ। इवेंट पे जाने से पहले सैंडी का खाना बहुत ही लाइट खाता है। सबको भूख लग रही थी और हमने सबने उज्जवल का नाम लगा दिया उसको। हाँ तुमने सबने, सिर्फ तुमने शर्म आ रही थी उसका बोलने में। उज्जवल बेचारा ऐसे लग रहा है, मुझे कब भूख लगी। बेचारा वहाँ पर आके खड़ा हो गया, सब खाना उसने कुछ लिया भी नहीं अभी तो। और हम लोगों ने भर भर के खा लिया है, ऐसा लग रहा है तीन दिन से खाना नहीं खाया। तुझे कैसा लग रहा है? मैं तो शुगर छोड़ी हुई है, सो नो शुगर फॉर मी। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पर बैठे हुए हर शख्स ने कभी ना कभी स्क्रॉल करते हुए किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा। आपकी जर्नी कैसी थी, मतलब कैसे आपको लगा कि जो व्लॉग्स बनाते हैं, क्या कभी आपने सोचा था आप इतना पैसा? भाई नीतू दीदी और लखन भैया लाइव आ चुके हैं, आप पीछे देख सकते हो, न्यूज 18 इंडिया पर अभी लाइव है, वही हम सारे देख रहे हैं। और तुषार भाई स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जर्नी बता रहे हैं अपनी। और यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई बंदा उन्होंने देखा जो बहुत सक्सेसफुल है इस फील्ड में। मुझे लग रहा था सैंडी भैया भी दिख जाएंगे लेकिन वो नीचे बैठे। सैंडी भैया कहीं बैठे होंगे, वीडियो बना रहे होंगे। फाइनली एक क्रिकेटर हमारे साथ आज पॉडकास्ट में आए, लखन अर्जुन रावत नाम है। बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ आए। आपको मैं क्रिकेटर कहूँ, आपको मैं कंटेंट क्रिएटर कहूँ, यूट्यूब की दुनिया का बादशाह कहूँ, रील्स का राजा कहूँ, क्या कहूँ पहले तो आप क्लियर करिए भाई। आप मुझे लखन कह दो, उसमें सब इंक्लूडेड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत क्रिकेट से ही करना चाहूंगा भाई। क्रिकेट है मतलब इंडिया में एक धन की तरह है। हाँ जी। तो कोई क्रिकेटर मुझे लगता है क्रिकेट में घुसा तो लाइक वो क्रिकेट में ही रह जाता है, वहां से क्रिकेटर क्रिकेटर होने के साथ साथ तमाम चीजें कर लेता है। क्या है भाई, क्या राज क्या है, बहुत सारे क्रिकेटर नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है सर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जहाँ तक मेरी समझ है छोटी सी उसके मुताबिक मुझे ये पता है कि जितनी भी चीज़ें सब कला से रिलेटेड हैं, चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, खेल हो, सबकी देवी सरस्वती माँ है। तो अगर उनका आशीर्वाद है तो आप किसी भी आर्टिस्टिक फॉर्म में, फील्ड में आप परफॉर्म कर सकते हो। तो हम लोग वहाँ से तो आ गए अपना न्यूज़ 18 इंडिया में, जो इंटरव्यू था चौपाल थी, मतलब हम लोग थे, उज्जवल था, वो काफी मजा आया वहाँ पे। आप लोगों ने वीडियोस तो ऑलरेडी देख लिए होंगे हमें पता है, उन्होंने सेम टाइम ही डाल दिए। आज भाई हमें जाना है वो मूवी प्रीमियर के लिए, हमने सारे अपने फैंस को बुलाया हुआ है, उसका टाइम होने वाला है, आधा घंटा है अपने पास अभी। वैष्णवी तूने तुम बात पहले देखी थी? मराठी में देखी, आज हिंदी में देखा ठीक है। चाचा भी आ गए, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो, कैसे हो चाचा, कैसे हो? बढ़िया। नमस्ते चाचा। दूर से कैसे होते हैं? दूर से नमस्ते कैसे होता है भाई? अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं, आशीर्वाद नहीं देना, ये बोलो आशीर्वाद देना, आशीर्वाद नहीं देना, गले लग के। हां गले लग के, यहां देखो पैर आगे करो। नमस्ते, चलो आओ, अब गले लग के। हां लाओ आ जाओ, अब गले लग लो, चलो आओ, चलो चलो आप लोग तो नहीं निकल भाई, आ जा खाना, चलो सैंड भाई पी ली चाय। भाई हमारा पुनीत आज आ गया है, रूबी के पास गया हुआ था, हम नहीं गए हुए थे क्योंकि हमारा कॉन्क्लेव था आपको पता है, हम इतना मतलब बड़ा मोमेंट मिस कर दिया ऑलरेडी ना, प्रोफेशनल कमिटमेंट हो चुका था।
जाएंगे हम। क्यों भाई, अच्छा लगा सब वहाँ पे? पुनीत मामा, मामा ने जाती स्टोरी डाली है उसके, उसका नाम कितना प्यार रखा है, रूबी का। हाँ, रूबी का के पैरों की, रूबी का, रूबी का, रूबी का है, रूबी का है ना, मेरे को भी करना है, रूबी का, रूबी का है, और ये बी का है यार, रूबी, रूबी का लो। हाँ, कितने की शर्ट? 50,000 की। तू 50,000 की लगाई थी, 10 बार आ रही जीत देती है नी। चल देखते है भाई। छोटी छोटी लंबी लंबी दूरी यूं चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ करके सबसे बात करेंगे, ठीक है? लक्ष्मी भैया कहाँ है? लक्ष्मी भैया यार, इतने सारे लोग आए, सबसे पर्सनली मिला था, लेकिन बहुत भीड़ हो गई है, तो जब सब बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, उसके बाद सबसे मिलेंगे। पूनम भाई, तेरे फैंस मेरे क्या हट रहे, हंसती है ना जब, तो अच्छी लगती है। छोटे के भी तो आए हैं, छोटे सोच रहा हूँ किधर किधर जाके खड़ा हो जाऊँ, उधर उधर होते जा रहे। क्या बोल रहे तुझे? छोटे भैया, छोटे भैया, छोटे भैया, मान्या, बहुत ही प्यारा नाम है मान्या। हाँ, यही खोल दे, तू यही खोल दे, इसको ज्यादा जल्दी है। चूड़ियाँ, देखो मैंने क्या बोला, अब सो घर पर देखूंगी। वाह, और लेटर भी है, और पिंक कलर की, मेरी फेवरेट। तो कल इनका बोर्ड का एग्जाम है और ये छोड़कर यहाँ पर आई, पढ़ाई की अच्छे से? हाँ, नहीं बोर्ड का नहीं, मतलब वैसे हाफ फ्रेंडली, लेकिन अच्छा अभी हमारे काना के भी खत्म हुए, तब हमें पता चला। हेलो हेलो हेलो, अरे ऑपरेशन ही चल रहा है ना मेरा, वो डॉक्टर बोल रखे रेस्ट में, वो बाहर नहीं निकलने बोलता, टेंशन नहीं लेने बोलता। फिर हम अभी देखे 3 दिन से ज्यादा ही बीमार चल रहा था, तो अभी ब्लॉग देखते नहीं थे किसी का भी, अभी देखे साहब 3 बजे ब्लॉग, और फिर 3 बजे 5 मिनट भी निकल रहे हैं कृष्णा नगर। हम आएंगे आपसे मिलने, संपर्क कर सकते हैं। नहीं, आप अपना नंबर उसको दे दो, आप मेरी शादी वीडियो देते हो, आप बहुत प्यारी सी वीडियो बनाती हो ना, इसलिए मुझे पता है आप मेरे वीडियो देखते हो। थैंक यू भैया। अरे हैप्पी भाई, एक बार हैप्पी बर्थडे करते हैं। ये मेरे लखन भैया। हाय, कहाँ से आई हो बहन आप? मैं यहीं से कर टेरेस पे। अच्छा, इधर जाते हो आप? अच्छा भैया, यू नो बताया, मैं अभी 6 वीक से बेड रेस्ट पे थी, अभी एक दो दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया है। मैं जब से आपकी डॉक्टर ने सबसे मैं आपके सारे वाले तो आपसे बहुत खुश रहेंगे। अरे माय गॉड भाई, मेहंदी से कितना प्यारा लिखा है, उसका ऐसे तो ब्लॉग में तुझे कितना प्यारा लिखा है बच्ची ने, आई लव लखनी ब्लॉग, थैंक यू, थैंक यू बच्चा, आज चलो मूवी स्टार्ट होनी है भाई, फिर आज आओ आओ आओ, 3 2 1 थैंक यू गाइस, थैंक यू, मूवी एंजॉय करते हैं, आज आओ आओ। बताओ बताओ क्या बात करनी है? अगर आपको मेरे घर आना होगा
कब आओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, कहाँ है आपका घर? मयूर फेस्ट। बिल्कुल आएंगे, ठीक है, आपके घर आके मिलेंगे। कब है आपका बर्थडे? अभी तो अभी चला गया, अभी अगले दोबारा आएगा। दोबारा आएगा फिर हम आएंगे। आपने बुलाया क्यों नहीं? वो तो बहुत जिद कर रहा था। अच्छा मम्मा बुला लो किसी को, मत बुला लो बस। भाई यहाँ पर सबके लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है। क्या पॉपकॉर्न नहीं आए? लिया नहीं, इसका खाया चला है। हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन यहाँ पर लाइन वाइज लाइन जा रहे हैं सरकार की जनता के। बहुत बढ़िया। तो अभी इंटरवल हो चुका है और मैं वही चीज खा रहा हूँ जो खा रहा था। स्टोरीज भी है, वो सब रिपोस्ट होंगी। बस आप ना मेरे ब्रॉडकास्ट इंस्टाग्राम पे, जो मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, एक लिंक दूंगा, आप उस पे जाके उस फिल्टर को यूज कर लेना वहाँ पे, ठीक है ना? और टैग कर देना, सब रिपोस्ट करूंगा मैं, ठीक है? सब लोग ये प्लांट है, इसको आप रखना अच्छे से, मेमोरी लगना कि आपने पहला इवेंट करा था। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपको थैंक यू सर, आप ही का है। जो सुना था ना? हाँ जी, सो गुना शानदार व्यक्ति। अरे थैंक यू सर, सच में वीडियो में सब अच्छे होते हैं भाई, फेस आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए ना कम है। थैंक यू सर, थैंक यू। आए तो घर आके पीनी पड़ेगी आपके। अच्छा हमारे घर तो चाय आएंगे, हम तो बहुत विशाल कढ़ी चावल बनाना तो आऊंगा। आप भैया की फोटो लेकर कढ़ी चावल, मैं एक मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए। आप खुद से बनाते हो भाई? अरे बहन है, सपना को आपने साबित कर दिया कि आप लोगों का साथ देख के। अच्छा आप लोगों ने सपना को देखा ना? सबने सब सब सपोर्ट करते हो ना? बस एक रिक्वेस्ट किसी को भी, आप ना मतलब मुझे पता है आप लोग तो नहीं करते होंगे, पर बहुत से लोग ना उसके फैमिली मेंबर्स को हेट देते जा रहे हैं, वो सब नहीं करना। बस सपोर्ट करना है अपने बच्चे से, ठीक है? आओ ये पोयम सुना रही है गाइस, ज्यादा ध्यान से सुनो। हां जी, पैसों की इस मारामारी की दुनिया में, फरिश्ता बनके आए आप, एक एक रुपया का हिसाब रखने वाले इस दुनिया में, अपने पन का एहसास देने आए आप। कितना भी बोलूं कम है आप दोनों के बारे में, फरिश्ता बस नाम सुना था, पर आज इन आँखों को गवाही का जरिया बनाने आए आप। नहीं जो मैं आप लोग का जो मेरा पूरा जब से ब्लॉग देख रही हूँ, शायद मुझे 4 साल हो गए, वो सारा निकला मतलब इन सब शब्दों में। अब वो हम बयान नहीं कर सकते, बट जो फील हुआ अंदर से वो सारा निकल गया पोयम में। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े हैवी हैवी से वर्ड्स है सर, बहुत डीप है इसमें। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो मतलब आप लोगों को कितना मतलब कितने इम्पोर्टेंट हैं आप, हम सब मतलब मेरे लिए भी और सब सब्सक्राइबर के लिए, वो सब्सक्राइबर भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो बयान नहीं कर सकते। ये सब भैया की फैमिली है। अच्छे लगते हो आप, रोते भी नहीं, उदास हो गए क्या मिलके? नहीं नहीं, तो फिर हंसो हंसो, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो आप। और वो आपको अनकंडीशनल प्यार कर रहा है बिना बात, तो सोचो हमारे लिए कितना स्पेशल होता है कि हम आप लोगों से मिलते हैं। आपको हमसे कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो। अगर मैं कभी, कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे लो मोमेंट थे, मैंने जाके पता कई बार बोला हुआ कि आप प्लीज जाओ ना इस स्टोरी पे ऐसे सपोर्ट करना, कहीं भी करना, तो मैं देखता हूँ ना कि मुझे पता है कि मेरे पीछे बैकअप इतना स्ट्रांग है, मैं बोलता हूँ ना पूरी पब्लिक पहुँच जाती है भाई वहाँ पे। और मैं तो कई वीडियोज भी नहीं देख पाता था, आप लोगों ने कहा कहा मेरे को जाके डिफेंड करा है, किन किन लोगों से लड़ाइयाँ नहीं है, आधी लड़ाई वैसे हुई भी आपके चक्कर में, बिल्कुल यहाँ जाकर जो उधर बोलते थे ना कुछ भी, वो लोग सोचते मैं करा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बट ठीक है, ये प्यार है भाई, अच्छी चीज बुरी चीज दोनों झेल लिए फिर मुझे। आप लोग हैं ऐसे, इसलिए हम लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि सबको नहीं कोई कर सकता है, बट वो अपना पन है जो सबको खींच के लेके आया। अब पहले मैं थोड़ा इंट्रो देता हूँ, भाई हमारे इसका नाम प्रश्न है, और 2021 या 20 से हम लोग करेंगे, 21 से करेंगे, दिसंबर 2021 12 दिसंबर 2021 ये लो और रिटेल शाम के 4:30 बजे। चलो भाई, तो ये ना शुरू से मैसेज करता हूँ, जिस टाइम हमने जर्नी शुरू की थी सोशल मीडिया की, बहुत सपोर्ट करता था। मुझे याद है एक दिन इसने एक पोएम लिखी थी, इसने ना वीडियो कॉल पे सुनाई थी,
और मैं लाइफ में सच पहली बार मिल रहा हूँ। इस बंदे ने अभी नेवी में इसका सिलेक्शन हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कि पोएट्री लिखता है, पोएट्री लिखता क्या करता है सर? पोएट्री मेरा शौक है सर। कुछ लिखा है अभी, वो सुनाना चाहता है। सुना सुना। ये जो पोएम है मेरे लखन भैया नीतू दीदी को डेडिकेटेड है, मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। ये 2021 मैंने पोएम लिखी थी, मैंने सोचा था जब मैं सामने हूँगा तो भैया को सुनाऊंगा। गॉड का प्लान देखिए कि भैया सामने आज मैं खड़ा हूँ, केवल भगवान के आशीर्वाद है। दुनिया में नंबर वन इनकी जोड़ी है, दुनिया में नंबर वन इनकी जोड़ी है और दुनिया दीवानी हो रही है। दिल है सच्चा, इरादे बुलंद हैं, दिल है सच्चा, इरादे बुलंद हैं और मॉडलिंग की दुनिया में सबको पसंद है। मेरे लिए नीतू के लिए, आप दोनों के लिए। ब्लॉग्स दिल को छूने वाले, कि ब्लॉग्स दिल को छूने वाले, दिल से दिल तक जाने वाले। नीतू मैम बड़ी प्यारी हैं और फैंस की दुलारी हैं। क्यों आने के लिए दोबारा अरेंज करूंगा, फिर से आना सब लोग, ठीक है? निकलने का रास्ता छोड़ो प्लीज। आ गया, मजा आ गया। लखन सृष्टि आई है करोलबाग से, जिन्होंने हमारा फैन पेज अभी सबसे बात कराई वीडियो कॉल पे, सारे फैन पेजेस थे। वॉइस कितनी अच्छी है, बोलना कुछ। हेलो गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने पहले एक बार ना अपने मीटअप के टाइम पे बोलता कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, कभी कोई ये नहीं पूछता वो कैसे। आज एक भाई ने वही कर दिया, ये भाई आए उन्होंने पता क्या पूछा, भाई आप कैसे हो? कहते हैं आपने बोला था ना कि कोई ये नहीं पूछता कैसे हो, तो ये पूछ रहे। और उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, बहुत अच्छा लगा मेरे को मिलकर। थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। सेम मेरे भाई। भैया प्लीज एक अच्छी सी होटल ले दो, अच्छी सी लो भाई इनकी, मैं मोमोज खिलाती हैं। तो अभी घर जाने का वक्त आ गया है और हम सबको कर रहे हैं अलविदा। कितना अच्छा मीटअप था भाई, कितने अच्छे लोग हैं भाई, मजा आ गया। सबसे अच्छी बात हमने तुम्बा राज दोबारा से देखी, जब पहले रिलीज हुई थी तो मैं नहीं देख पाया था, बट ऐसी मूवी को ना मतलब मुझे लगता है हमने पहले इसको फेल कर दिया था, बट इस बार नहीं, पता है अपने को अच्छी मूवी है। और जितनी भी वो पुरानी मूवीज है ना जो हमें अच्छी लगती है, वो अगर दोबारा रिलीज होंगी तो मैं ऐसे ही आऊंगा सबको ले लेके। थैंक यू। वाओ, वन वर्ड वाओ भाई, क्या मजा आया आज, कैसा लगा पूनम में? बहुत मजा आया। अर कितने अच्छे लोग हैं भाई, अनकंडीशनल लव, इनका कोई लेना देना नहीं, इनको कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, बट अनकंडीशनल प्यार, बस एक प्यार है जो एक स्टोरी डाल के एक लाइव आके मतलब लोग यहाँ आके पूरे भर गए भाई, पैक था। मजा आया भाई सबसे मिलकर यार, जितने भी लोग यहाँ आए थे वी लव यू, जो नहीं आ पाए वी लव यू, बट आपने जितना प्यार दिया मैं क्या ही बोलूं। हाँ यार बहुत प्यार मिला, मतलब ऐसा प्यार की हमें बहुत जरूरत थी। किसी ने मुझे बोला कि पूनम को दो चांटे मारना गाड़ी में बैठ के। अच्छा। हाँ, मैंने उनको प्रॉमिस करा है, मैंने कहा मैं मारूंगा, आप मुझे व्लॉग में देख भी लेना। मुझे बोला था किसी ने लखन को चार मारना। चालाक हो गई यार, जब से गेमर बनी है ना। आ गए। तो यहाँ पे हमारे गौरव भाई के फैमिली मेंबर्स सब आए हुए, ये सब मूवी भी देखने आए हुए थे, सबने बहुत एंजॉय करा साथ में। गौरव भाई हमारे आप लोग देखते ही हो, हमारे साथ जो रहते हैं पूरे टाइम, तो इनकी पूरी फैमिली आई हुई है। ये इनकी बहन है नंदनी, नंदनी नाम है ना, नंदनी नंदनी याद हो, उनके छोटे छोटे भाई है। हाँ, ये सबसे छोटे वाले भाई, सबसे छोटे यार नीतू। अच्छा, सबसे बड़े भैया है? हाँ। लगता नहीं है, आप बड़े लग रहे, आप भी बड़े लग रहे। वो फ्रेंड्स है, दोबारा हम मूवी फिर से करेंगे, फिर आना। ओके, तो अब बारी है गिफ्ट्स ओपन करने की, तो यहाँ पर एक चॉकलेट का डब्बा हमें मिला है और ये कैंडल, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत कैंडल, क्या बोलते हैं उसको, खुशबू वाली कैंडल। और ये गिफ्ट आया है और इसमें है, पूनम जी तेरे को खोलना पड़ेगा ये, इसमें लिखा है श्रीमद् भगवद गीता। ओ भगवद गीता, खोल बहन ये गिफ्ट, खोलेगा इतना जल्दी जल्दी। ज्योति चौधरी, यार मैं बस आपसे ये दरखास्त करूंगी कि जब भी आप आए मिलने तो प्लीज कोई गिफ्ट ना लेकर आए। और ये बुक दी है रिच डैड पुअर डैड, लेकिन और ये बोला कि लखन के लिए, तो यार ये मैं भी पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है कि लखन के लिए। और मुझे मिले हैं सुंदर सुंदर से चूड़ियां, बिंदी और सिंदूर, तो जिसने भी ये दिया है पहले तो उसको दिल से धन्यवाद, दिन बना दिया आपने ये देखे सच में, थैंक यू। तो यहाँ पर ना मुझे बैंगल्स तो मिले थे, बैंगल्स के साथ साथ ये नज़र बट्टू भी मिला है, ये ब्रेसलेट टाइप का, और ये मुझे बहुत मिलता है, लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। और ये कानों के भी दिए बड़े सुंदर सुंदर से। अब है ये लेटर की बारी, मुझे आज तक किसी ने लेटर नहीं दिया, लेकिन मेरे फैंस ने दिया है, मैं किसी लड़के की बात। अब जब भी आप हम लोगों से मिलने आओ तो कोई गिफ्ट मत लाना, बस आप खुद आ जाना, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। दूसरी बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर देना, क्योंकि डेली हम यहाँ पे अपनी वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लाइव शेयर करते हैं और आपसे मिलते रहते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, वी लव यू ऑल।